हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 Assist चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइटेनिक 4D सिमुलेटर, ये जो हमारा गेम है, ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। साइज़ तो ऐसे इस गेम का ज़्यादा नहीं है, 121 MB के आसपास आपको गेम का साइज़ देखने को मिलेगा। एंड हाँ, ओपन करते से आप देख सकते हैं कि बिना किसी एरर के हमारा गेम यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो हाँ, ये जो है ना, ये एक ऑफलाइन गेम है। अब ऐसे तो इतने कम साइज़ पर गेम्स पर मैं उतनी वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, बनाता भी हूँ तो ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स पर ही बनाता हूँ। वो पर इस गेम के रिगार्डिंग मुझे कमेंट आया था तो मैंने सोचा बना देता हूँ, गेम के रिगार्डिंग थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ सेटिंग में देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्राफिक्स से लो मीडियम हाई तीन होती है, तो अपना हाई पर ही रहेगा वो तो। बाकी हाँ, गेम में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तरीके से कहूँ तो पूरी गेम की मूवी, अगर आपने टाइटेनिक मूवी देखी होगी ना, तो जो भी है वो तो अपना खुद एक, मतलब कहे तो टाइटेनिक शिप पर ही बेस्ड है। वो जो भी अपना सिंक हो गया था सी के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग, तो वही गेम में ज़्यादा कुछ नहीं है। पर हाँ, गेम के अंदर में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप चाहे तो इसका प्रीमियम वर्जन ही प्ले करना, क्योंकि इसके अंदर में ना आपको पूरा जो भी है गेम की, मैंने बोला ना गेम प्ले ज़्यादा नहीं है इसके अंदर में, ज़्यादा तो मेन स्टोरी ही है। आपको सिर्फ देखना है कि कैसे सिंक हुआ था ना टाइटेनिक शिप, तो उसके लिए आप इस गेम को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, इसके अंदर में आपके पास में फ्री में सिर्फ एक तो फ्लाइंग डे का रहेगा, और एक ये मतलब एक जब आपकी शिप निकलेगी वो, और एक जो आपकी शिप मतलब समंदर में तैरेगी दिन में, तो ये दो ही इवेंट आपको देखने को मिलेंगे फ्री वर्जन में। और एक ये टाइटेनिक डॉक भी है, तो ये तीन इवेंट देखने को मिलेंगे। बाकी क्या ड्राइविंग हो रही है गेम के अंदर में, जो टाइटेनिक का इंटीरियर है, और नाइट में कैसे सिंक हुआ था, और उसके बाद में ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, रेक मतलब शायद डूबना होता है, नहीं मेरे को याद नहीं है, मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता हूँ। रेक मतलब टूटना होता है कि क्या होता है, रेक फेस्ट गेम मैंने खेला था, उसके अंदर में क्या रेक्ड मतलब टूटना ही हुआ था शायद, तो जो भी चीज़ थी कि क्या थी वो मुझे पता नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर मतलब फ्री में सिर्फ तीन चीज़ें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप डाउनलोड करने का सोच ही रहे तो इसका फ्री वर्ज़न मत करना, इसका प्रीमियम वर्ज़न करना। तो प्रीमियम वर्ज़न तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा इसमें, बाकी वो तो जुगाड़ कर लेना जो भी आप लोग को करना रहेगा। पर ये यहाँ पर ये क्या है, ब्लैक एंड वाइट का क्या है सीन मुझे पता नहीं है। पर हाँ, इसके अंदर में मतलब यही था, ज़्यादा गेम प्ले के रिगार्डिंग है नहीं, सब मैं आपको समझाता हूँ। तो चलो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना यहाँ पर, एक ये फ्लाइंग वर्जन भी है, फ्लाइंग वर्जन तो नहीं है ये, शायद दूसरा कैमरा एंगल है। तो इस तरीके से आप चाहे तो खुद की मूवी भी बना सकते हैं इसमें, नहीं बनेगी यार मूवी तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट कोई ना। यहाँ पर चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड थोड़ा मैं बैक जाता हूँ। एंड हाँ, इस शिप में आप चल भी सकते हैं आगे पीछे करके, तो इस तरीके से आप चल भी सकते हैं। एंड ये 3x पे थोड़ा तेज़ हो जाता है, 1x पे ज़्यादा स्लो हो जाता है, इनको 2x देना था, बट चलो कोई ना। और उसके अंदर में चलने लायक भी कुछ है तो नहीं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना सब प्रीमियम ही है, इसकी वजह से चलने लायक तो ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलो पर यहाँ पर से हाँ, हम किस में हार इसके अंदर में जाते, तो ये टाइटेनिक लॉन्च है, तो अगर मैं लॉन्च पे क्लिक कर दूंगा ना, तो आप देख रहे होंगे कि अभी लॉन्च जो हो रहा है, तो वो हम चेक कर पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या हमारी जो शिप है वो लॉन्च हो रही है। एंड ये जूम इन जूम आउट करके भी हम अपने हिसाब से देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस टाइप का गेम है, थोड़ा सा अलग है, 4D इसलिए लिखा उन्होंने क्योंकि पूरा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज़ को इसकी वजह से। बाकी चलो कोई नहीं, हम वो वीडियो बना दी मैंने इस गेम के रिगार्डिंग, बाकी ठीक है, गेम तो नहीं बोलेंगे, गेम ही है पर गेम नहीं भी है, सिमुलेटर टाइप में है। तो जो भी है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।